हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और गाइज, मैंने एक छोटी सी वीडियो अपलोड की थी, एक्चुअल में वो मेहंदी है। गाइज, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, काफ़ी जो क्ले क्रंचर्स हैं उनकी काफ़ी वीडियो पे येलो डॉलर आते हैं। कोई बता देता है और कोई नहीं बताता है, और कोई तो इतना ढीठ है कि बताता नहीं है लेकिन वीडियो पे वीडियो डालता रहता है। तो जिसके पास छोटा बेबी था, आपने देखा होगा, एक लेडीज थी ना जो क्रिस वाला मास्क पहन के वीडियो बनाती थी, तो आजकल उनकी कोई वीडियो नहीं आ रही है। वो बेचारी डर गई है। वो किसी को गाली दे के बोली थी कि किसी ने मेरी कंप्लेंट कर दी है और मेरे येलो डॉलर आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरा जो मटेरियल है वेस्ट हो रहा है, जब तक ग्रीन डॉलर नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा मुझे वीडियो बनाने के लिए, तो वो वीडियो नहीं बना रही है। तो गाइस, आज मैंने उनकी वीडियो देखी थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मतलब बोली थी पता नहीं किसने मतलब ऐसे कंप्लेंट कर दी, ये कर दी। वो क्या करती है, अपना जो स्टॉक मंगाया हुआ है ना जो वीडियो बनाने के लिए, उसको पॉलीबैग से निकालती है, थाली में सजाती है, बेचारी देखती है, वीडियो बनाती है, फिर उठा के फिर उसको थाली से उसी रैपर में पैक करके रख देती है। तो बड़ा अच्छा लगा। इन लोगों के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए, सबके साथ ऐसे होना चाहिए। तो चलो, अभी कम इनके सब्सक्राइबर, अभी इनकी स्टार्टिंग थी, लेकिन जो बड़े बड़े ना उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। कुछ ऐसे वाईटी की तरफ से होना चाहिए कि इनकी वीडियो चल ही ना पाए और ये भी अपना स्टॉक निकाल ले, दुखी होके फिर उल्टा अपना जाके स्टॉक वापस रख दे। इनके साथ ऐसे होना चाहिए। बस गाइज, मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, छुट्टियाँ पड़ने से पहले जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, इस वजह से हम लोग तो बिजी हैं। फिर अच्छी अच्छी वीडियो लेके मैं आऊँगी, और बीच बीच में इस तरह की वीडियो डालना थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस तरह की वीडियो बनाई। तो आप प्लीज़ बुरा मत मानना, ठीक है गाइज? तो आप लोग हैप्पी रहिए, और आप लोगों के भी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे होंगे तो प्लीज़ ज़्यादा टाइम मोबाइल में ना देके बच्चों पे फोकस करो, क्योंकि बच्चों को इस टाइम ना मदर की बहुत ज़रूरत होती है। पापा तो शाम को आते हैं, 2 घंटे पापा देख सकते हैं, लेकिन मदर पूरे दिन रहती है, तो बच्चों पे ज़्यादा फोकस माँ का रहता है। तो गाइज़, प्लीज़ जिनके छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन मदर से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि भाई अपना पूरा फोकस बच्चों पे रखो, क्योंकि बच्चों की ये लाइफ जो है, मतलब स्टडी लाइफ जो है, इसमें मदर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दो आप लोग। मोबाइल में क्ले क्रंच वाली वीडियो जो है, अगर आप दिन में 10 देखते हो तो 2-3 कम कर दो, और जो 2-3 ही देखते हो तो मतलब 2 को कम करके 1 ही देखो। तो प्लीज़ अपने घर पे भी ध्यान दीजिए, आपकी फैमिली है, आपका इंतज़ार करती है, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे इंतज़ार करते हैं। कई घरों में मैंने देखा है लेडीज़ अपने वीडियो देखने में लगी रहती है मिट्टी खाने की, क्योंकि अंजलि की वीडियो आई यार मैं देख नहीं पाई। वो क्या लोगों ने नशा बनाया हुआ है, जब तक वो वीडियो ना देखो तो उन लोगों का खाना हजम नहीं होता। तो मैं उनसे बोल रही हूँ, क्यों अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो? इतनी प्यारी लाइफ है, अपने बच्चों के साथ हंसी मजाक करो, बच्चों के साथ बैठो, बच्चों के साथ घूमने जाओ, थोड़ा सा इस तरह की वीडियो आप कम देखो। और गाइज, आपने देखा वाईटी पे क्रंचस की तो कंप्लेंट हो ही रही है। आपने देखा आजकल कुछ स्मार्ट लोग क्या है, क्ले लाते हैं परचेज करके और घर में लेयर निकालते हैं, उसकी वीडियो डाल रहे हैं, क्ले की क्लीनिंग करते हुए वीडियो डाल रहे हैं, साफ करते हुए पानी में धोते हुए वीडियो डाल रहे हैं। ये सब पहले अंजलि ने स्टार्ट किया था, और अंजलि के बाद अब सारे लोग इस तरह का फंडा अपना रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे से भी ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं, हमारे से भी ज़्यादा उनके व्यूज़ हैं, उनको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, तो स्लेट पेंसिल लाके उनकी साउंड सुना रहे हैं, तोड़ तोड़ के दिखा के इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, और स्लेट आइटम के बड़े बड़े बिग स्लेट स्टोन लेके उनको धोने की छीलने की इस तरह की वीडियो बना के काफ़ी व्यूज़ ले रहे हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ गए। तो मैं कहती हूँ यार, क्यों इन लोगों को इतना आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, क्यों इन लोगों को इतना बढ़ा रहे हो? बताओ, मिट्टी लेके उसको धो रहे हैं और इतने में ही उनके इतने व्यूज़ बन रहे हैं। तो ऐसे देख देख के बहुत चैनल अब नए ओपन हो गए हैं, और मैंने आज देखा कुछ चैनल ऐसे हैं अंजनी की और डिम्पल की और आई लव क्रंच जो है गर्ल्स, उसकी बहुत सारी वीडियो ये क्रंच करते हुए अपने चैनल में डाल के अपने काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर ग्रो किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ कमाए हुए हैं। क्या इनको स्ट्राइक क्यों नहीं दे रहे हैं भाई ये लोग? क्यों ये लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं? हम तो आप लोगों की वीडियो से परेशान हैं, आप लोगों को बंद कराने की सोच रहे हैं चैनल को, ये और नई पैदा हो रहे हैं, क्यों ऐसे एनवायरमेंट और गंदा करते जा रहे हो यार? मिट्टी है, इसको हवा मत बनाओ यार। जिनके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, जो खा खा के इस लत को पाल के बीमारी पाल रहे हैं, उनके बारे में भी सोच लो यार। ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हो क्या आप लोग? क्यों पाप के भागीदार बनते जा रहे हो रात दिन रात दिन? हद हो गई यार, एक लिमिट होती है हर चीज़ की।
इस एज में 30 के बाद तो लोगों को अकल आ जाती है, आधी जिंदगी जी ली से ये सोचो आपने। अगर आप 30 साल के हो गए ना तो आपने आधी जिंदगी जी ली, और ये जवानी में जितनी गलतियां कर रहे हो ना ये यंग एज में, ये सारा निकलेगा अभी 30 के बाद। सारा नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। बचपन में आप कितनी भी गलती कर दो, भगवान बचपन की गलतियों की कभी सजा नहीं देता, लेकिन जवानी की जो जितनी भी आप नाबुद्धि बन के ये जो जितनी भी हरकतें करो ना, सारा निकलेगा। अब हम इस एज में पहुंचे हैं, ये एज जो हमारी है ना, जब बच्चे 10th में हो जाते हैं, जब हमारी एज जो होती है ना, उस एज में हमें सही और गलत का फर्क होता है। तब हम सोचते हैं यार हमने हमने ऐसे क्यों किया, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए था, माँ बाप ऐसे बोले थे, उनकी बात क्यों नहीं मानी, नहीं ठीक से पढ़ाई करी तो आज ये भुगतना पड़ गया। बहुत चीजें होती हैं जो इस लाइफ में अब पता लगती है। तो मैं इसलिए आप लोगों को बोलती हूँ, आप लोग क्यों अपना मतलब शरीर खराब कर रहे हो खा खा के। मतलब एक कुएं में गिर रहा है पैसों की वजह से, तो सारे उसी में गिर रहे हैं पैसों की वजह से। यार तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, पैसा दूसरे तरीके से भी कमा सकते हो ना। और कितनी कम एज की लड़कियां खा रही हैं, मैं तो कह रही हूँ अंजनी के तो सारे सब्सक्राइबर जो है सारे मतलब कम एज की लड़कियाँ, सारी कम एज की लड़कियाँ, ना तो उन्हें बात करने का सेंस है, कैसे बात करना है क्या करना है, वो सोच रही है हम आजकल बहुत ज़्यादा अपने आप में वो हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी है गाइज, जो खाली रहती है और जो मतलब माँ बाप की बात नहीं सुनती, जो हर टाइम खाली रहती है, जिसका लाइफ में कोई एम नहीं है, अपनी लाइफ में कोई एम नहीं है, उस तरह की लड़कियाँ ही इस तरह की वीडियो देख रही है। और अच्छी अच्छी जगह जो लड़कियां रहती हैं, मैंने देखा, मैं अपने यहाँ के बच्चों को देखती हूँ, बच्चे ये गलत चीज़ देखते ही नहीं है, उनके गोल्फ है, उनके लाइफ के एम है। कोई बोलता है कि मुझे अभी डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, कोई बोलता है नहीं मुझे जेई की तैयारी करनी है। लड़कियां ऐसे ऐसे बात कर रही हैं, मतलब 9th से ही उनका एम बन गया कि मुझे क्या लेना है। और मैं YT पे जब इन लड़कियों को देखती हूँ, और जब ये लड़कियाँ निकल निकल के बाहर आके अपनी वीडियो बनाती, जब मैं इनका घर वर देखती हूँ ना, मुझे लगता है यार इनका सही में यार ये लड़कियाँ इसीलिए इस मिट्टी की वीडियो देखती हैं। जो अच्छे घर की लड़की होगी, जो अच्छी पढ़ी लिखी होगी ना, वो इन चीज़ों में पढ़ती नहीं है, वो अपना एक एम बना के अपनी लाइफ का गोल बना के उसके अंदर वो एंट्री कर चुकी हैं लड़कियाँ। और पता नहीं ये कैसे हैं यार, माँ बाप मतलब इनको बोलते हैं, हर पेरेंट्स इनको मना करता है, लेकिन ये किसी की नहीं सुनती हैं, किसी की नहीं सुनती, इनका कोई एम नहीं है। जो पढ़ी लिखी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है ना, वो इस तरह की वीडियो देखेगी नहीं, वो सिर्फ अपने स्टडी से मतलब होगा, उसका अपना जीवन में क्या करना है, कौन सी लाइन पकड़नी है, उस हिसाब से अपने आप को मतलब अपने माइंड को सेट करके उसी चीज़ पे वो फोकस करेगी। तो आप जरूर देखना, जो भी इस तरह की वीडियो देख रहे हैं ना, उनका घर बार है ना, जरूर देखना किस तरह की लड़कियां इस तरह की वीडियो देखती हैं, वो किस तरह का नशा पाले, उनके लाइफ में ना कुछ कमी रह गई है, तभी वो इस चीज़ की वीडियो देख रही है। और इस चीज़ की वीडियो देख के वो अपना शरीर भी खराब कर रही है, और अपनी जो लाइफ है ना वो वहीं पे खराब कर रही है। बाद में वो जरूर पछताएगी, देखने वाली भी पछताएगी और खाने वाली तो पछताएगी, इसमें तो नो डाउट। भगवान ने हमें माइंड इसलिए दिया, अगर हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे तो हमारी नेगेटिव ही सोच बन जाएगी, हम पॉजिटिव सोचेंगे खुश रहेंगे तो हम पॉजिटिव ही बने रहेंगे। तो आजकल तो बस लोग बस क्ले की 4-5 वीडियो देखनी ही देखनी है। और मैं तो बोलती हूँ जो लेडीज़ या लड़की जो सर्विस करती है, जो सर्विस करती है, चाहे कोई भी सर्विस करती हो, किसी भी तरह की सर्विस करती हो, टीचर हो, वकील हो, जो भी हो, वो इस तरह की वीडियो ना देखे। भाई तुम सर्विस करते हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम इस तरह की वीडियो क्यों देख रहे हो, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड के हैं? क्ले रानी बोल रही थी कि मैंने 12th पास की हुई है, किसी ने उसकी क्वालिफिकेशन पूछी थी, तो वो 12th पास होके अपना दिमाग यूज़ करके वो इतने पैसे कमा रही है एक चैनल से, और कितने चैनल उसने खोले हुए हैं, एक चैनल से कितने पैसे वो कमा रही है, ठीक है, उसका माइंड देखो कितना शार्प है। आप लोग सर्विस करते हो, अच्छे पढ़े लिखे हो के ऐसे लोगों की वीडियो देखोगे? आपको तो अपनी क्वालिफिकेशन से ऊंचे लोगों की वीडियो देखनी चाहिए। क्या फ़ायदा हुआ फिर आपको टीचर बनने का, डॉक्टर बनने का, वकील बनने का, या आप कोई भी जॉब कर रहे हो, क्या फ़ायदा? आप एक अच्छी जॉब करने के बाद भी इन लोगों की वीडियो देखते, तो आपके लिए तो शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। मैं कभी भी किसी की क्रंच वीडियो नहीं देखती हूँ, बस चलती फिरती हल्की फुल्की देखती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी होती है तो मैं कि ये क्या चीज़ पकड़ सकूँ, इसलिए मैं वीडियो देखती हूँ। मिट्टी खाने वाली भी इनकी वीडियो मैंने कभी इनकी क्ले क्रंच की वीडियो नहीं देखी। तो गाइज मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, अपना स्टैंडर्ड को डाउन मत करो, अपने घर के स्टैंडर्ड को ऊँचा बनाओ, अपने बच्चों पर फोकस करो।
ये 8th 9th 10th 12th वाले जो वीडियो बना रहे प्लीज़ मत देखो, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलो और अच्छी वीडियो देखो। जब यूट्यूब पे आपने देखना ही है तो अपने कैरियर के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करनी है, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, इस तरह की वीडियो देखो ना। ये क्या वीडियो देख के अपना ब्रेन वॉश कर रहे हो, देखो तो कुछ ऐसी चीज़ देखो देखो ना जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। मिट्टी देख के मिट्टी भेजा बनता जा रहा है दिन पे दिन। तो गाइज़ मैं नई वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। मैं अभी फ़िलहाल वीडियो थोड़ा स्लो बना रही हूँ क्योंकि बेटे के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो गाइज़ प्लीज़ अपनी लाइफ में एक एम बनाओ। ये मिट्टी खाने वाले ना, ये जो साउंड से तुम्हें मार रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा हटाओ यार। धीरे धीरे माइक है ना साइड में करके इनकी वीडियो देखो, थोड़ा म्यूट करके, थोड़ा वॉल्यूम नीचे करके इनकी वीडियो देखो, थोड़ा सा इससे इस नशे से ना हटो। क्या ये छोटे मोटे ये पढ़े ना लिखे ढंग से इन लोगों की वीडियो देखते हो यार? देखो तो अपने अच्छी क्वालिफिकेशन, अपनी हाई क्वालिफिकेशन जैसे लोगों की वीडियो देखो ना, जो सीखने को भी मिले। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपसे मिलूंगी, ज़रूर डिस्कशन करूंगी। और बस ऐसे ही छोटी सी वीडियो इंजॉय कीजिए, और बस कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना गाइस। ऐसे ही मैं भी कभी कभी ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ तो इसलिए मैं फ़नी वीडियो डाल देती हूँ, उसके लिए प्लीज़ सॉरी। आज गोबर का यूज़ किया तो किसी को अच्छा नहीं लगाओ तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। ओके बाय बाय, गुड नाइट गाइज़।